इंटीमेट रिलेशंस आपके पार्टनर के साथ आपकी कैसी हैं, इसको एड्रेस करने के लिए पेशेंट को पता ही नहीं है वो कहां जाए। अगर उसको फर्स्ट नाइट के ऊपर, अगर उसकी फर्स्ट परफॉर्मेंस के ऊपर, या लोग जो बच्चे पैदा कर चुके हैं अब 40 इयर्स 45 इयर्स के हैं, सेटल्ड हैं अपनी लाइफ में, उसमें अगर उसके बाद उनको 40 साल 45 साल 50 साल पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी इंटीमेट लाइफ, उनकी परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज बढ़ते पे बढ़ते चले जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें एड्रेस करने के लिए आप जनरल प्रैक्टिशनर्स या अपने जनरल फैमिली फिजिशियन के पास नहीं जा पा रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि बहुत आसान नहीं है इन चीज़ों को बताना, अगर इनफर्टिलिटी भी होती है तो भी घर में बताने से पहले आप लोग पहले कंसल्ट कर लेते हैं, पहले अपनी जांचें करवा लेते हैं, कोई मेजर इशू होगा तो उसको एड्रेस करेंगे, नहीं तो छुपा लेंगे। अगर यहाँ पे जब सेक्सुअल डिसफंक्शंस की हम बात करते हैं, इंटीमेट हेल्थ की बात करते हैं, परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज की बात करते हैं, तो जब आपके पार्टनर आपसे सेटिस्फाइड नहीं है या आपको खुद को पता है कि आप पूरी तरीके से उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉपर कंसल्टेशन, प्रॉपर कंसल्टेंट से आप बात कर सकते हैं। askdrjain.com पर जाके आप इस चीज़ को ईजिली बुक करके कॉन्फिडेंशियल मैनर में वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल, कपल काउंसलिंग, या आपको अगर सिंगल कंफर्टेबल हैं उस तरीके से आप केटर करना चाहते हैं, बिना किसी सिंथेटिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हुए हम आपको ट्रीट करने में बहुत हद तक सक्षम हैं। बहुत ज़्यादा जहाँ पे लेटर एंड केसेस आते हैं कि स्टेज 3 डिसफंक्शन है, स्टेज 4 डिसफंक्शन है पेशेंट का, या फिर उसके बिल्कुल निल है उसमें पावर, उसके प्राइवेट ऑर्गन्स में, उसके प्राइवेट पार्ट्स में निल है पावर, तब एंड पे हम आपको लखनऊ बुलाते हैं, तब एंड पे आप सेम डे उसमें भी वापस चले जाते हैं, बिकॉज 2 से 3 घंटे की प्रोसीजर्स होते हैं हमारे यहाँ पे, नहीं तो हम ऑनलाइन मेडिकेशन से आपको ट्रीट करने में पूरी तरीके से सक्षम हैं। आप कोशिश करें बिना देर किए हुए इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें। एक बार भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो रिपीट हो गई, पहली बार अगर हो रही है तो इट मे बी अ कोइंसिडेंस, अगर दूसरी बार हो रही है इट अगेन मे बी अ कोइंसिडेंस, लेकिन अगर तीसरी बार है इट शुड बी अलार्मिंग। तब तक आपको कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप askdrjain.com के ऊपर जाके ईजिली कंसल्टेशन बुक कराइए, बिल्कुल भी भ्रमित ना होइए, बिल्कुल भी मेडिकल स्टोर पर जाके दवा मत खरीदिए, और अपने मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी गूगल की रिसर्चेस से डिस्टर्ब मत होने दीजिए।